बहुत बढ़िया संतोष शर्मा, चीता से कही कि उन दोनों को लेकर फौरन थाने आ जाए। हाँ चलिए, फाइनली ये केस सॉल्व हो ही गया। ऐसा आपको लगता है सीना जी, झूठ की यही सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, वो सच का ही रिफ्लेक्शन लगता है। अच्छा, और आपके इस ओवर द टॉप एक्स्ट्रा फिलॉसफी की वजह? बस यही कि सच के अपने अपने वर्जन होते हैं हसीना जी, और अगर सच वो है जो मैं जानता हूँ हसीना जी, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास तो सच का पायलटेड वर्जन ही होगा ना। अच्छा, और आपको क्यों लगता है कि आप जो जानते हैं वही असली सच है? क्योंकि मेरे सच में लॉजिक होता है हसीना जी, और मेरा सच हमेशा गहराइयों से जुड़ा होता है। माफ कीजिएगा सर, पर हमारे समझ में आने वाला बात कहेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हसीना मैडम ने ये केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके पास भी एक नया नतीजा है केस सॉल्व करने का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका नतीजा सही है और मैडम सर का नहीं? जी है तो कुछ ऐसा ही। और अब जब हमने ये केस सॉल्व कर लिया है तो क्यों ना स्कोर भी लिख लिया जाए। ये आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। ये केस तो मैडम सर ने सुझाया है ना, तो कायदे से ये नंबर उनको मिलना चाहिए ना। वो तो वक्त ही बताएगा पुष्पा जी, और वैसे भी थोड़ी देर में सच सबके सामने होगा। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है ये जो मैंने लिखा है ये गलत है, तो ये बोर्ड भी यही है, ये चौक भी यही है, और आप भी यही है, इसे मिटा के ठीक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखते हैं। तो हसीना जी, लेडीज फर्स्ट, पहले आपका सच, प्लीज प्रोसीड। शुक्रिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मिस्टर अभिजीत ही हैं असली गुनेगार। इन्होंने अपने पैसों के दम पर जानबूझकर रुक्मणी को फंसाया ताकि सिलेक्शन के दिन इनकी बेटी पूजा के लिए रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि रुक्मणी जो है इनकी बेटी से ज्यादा टैलेंटेड है, ऐसे में उनकी बेटी का सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। तो हमारे हिसाब से यही है इस केस का असली सच और यही है असली गुनहगार। कोई सबूत है आपके पास जो भी अभी आपने कहा? सर, हमने इन्हें चेयरमैन को 7 लाख रिश्वत देते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया है। हाँ, पर ये तो सिर्फ रिश्वत का मामला ही प्रूफ हुआ ना, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड ये हैं, ये तो प्रूफ नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग अपनी बेटी पूजा की सिलेक्शन के लिए की है, तो पूजा का शोल्डर तो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है। कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए, और सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ 3 ही दिन बचे। तो फिर फायदा क्या हुआ इनकी इतनी बड़ी साजिश रचने का, इतना केओस क्रिएट करने का? आप प्लीज हम नादानों को समझाएंगे? देखिए, ये सच है कि मैंने चेयरमैन साहब को रिश्वत दी, लेकिन इसलिए कि चेयरमैन साहब चैंपियनशिप की डेट को 2 दिन आगे बढ़ा दे, ताकि मेरी बेटी इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सके और अपना बेस्ट दे सके, वरना वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी और ये सदमा झेल नहीं पाती। शतरंज खेलती हैं हसीना जी? ऑफ कोर्स खेलती हूँ, दानिशमंदों का खेल जो है, और आप ठहरी दानिशों की दानिश। तो आज सुबह ही मैं दीवान जी को बता रहा था कि शतरंज खेल में क्या होता है, कई बार सामने के दोनों मोहरों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि पीछे के अहम मोहरे के लिए रास्ता बनाया जाता है, और इस केस में भी उसी स्ट्रेटजी का यूज हुआ है। क्योंकि इस केस का असली गुनहगार ना तो पूजा के फादर हैं, ना पूजा और ना ही रुक्मणी। इस केस का असली गुनहगार वो शख्स है जिन्होंने अपना मोहरा आगे बढ़ाने के लिए पूजा और रुक्मणी जैसे दोनों मोहरों को अपने रास्ते से हटा दी, एक पर हमला करवाकर और दूसरे पर हमले का आरोप लगाकर। और वो शातिर खिलाड़ी कोई और नहीं, ये है क्या बकवास कर रहे हैं आप? कुछ भी बके जा रहे हैं, जानते ना किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? चेयरमैन में फेडरेशन का सबकी नौकरियां जाएंगी, बता रहा हूं मैं। और सबूत क्या आपके पास? हाँ तो चेयरमैन साहब, शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली मेरी भी सुई उसी बात पर आकर अटक गई थी कि तीर चलाने वाले को कैसे पता चला कि कंधे के कौन से हिस्से में तीर चलाएं जो उतना घाव हो कि वो इतने दिनों तक रहे। ये तो किसी एक्सपर्ट का काम ही हो सकता है, और इस कहानी के अवार्ड विनिंग एक्सपर्ट कौन थे? आप। और तीर चलाया गया अंधेरे में, फिर भी एकदम सटीक जगह पर जाकर लगा, और इतना शार्प, इतना अचूक, इतना तेज निशाना लगाने में माहिर कौन? आप।
और चेयरमैन साहब, आपका ये तो हुनर हम सभी देख चुके हैं। आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जो हमें दिखाया था, और चेयरमैन साहब इतने शातिर हैं, ये काम इन्होंने खुद नहीं किया, ये काम इन्होंने करवाया अपने ही जैसे होनहार स्टूडेंट से। श्रीवास्तव जी, अब सवाल यह है कि इन्होंने रीमा के लिए इतना कुछ क्यों किया? क्या रिश्ता है इनका रीमा के साथ? रिश्ता है बाप और बेटी का। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर, मेरे पापा नहीं है, हाँ मदर है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है। रीमा त्यागी हमारे चेयरमैन साहब विनय त्यागी की सुपुत्री है, वो बेटी जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता था, इनके साथ काम करने वाली उस महिला की बेटी जिसके साथ इनके रिश्ते को कभी समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इन्होंने उसे प्यार बहुत किया, और करते भी क्यों नहीं, बेटी है इनकी, और एक बाप अपनी बेटी के लिए जितना करे उतना कम। पूजा और रुक्मणी भी किसी की बेटी है चेयरमैन साहब, अगर आपने खुद को उनके पिता की जगह रखकर सोचा होता ना, तो आप ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। ये नहीं तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचते। ये आपका काम है सही टैलेंट पहचानना और उसे अपनी जगह पर पहुंचाना, जो आपने नहीं किया। आप जैसे करप्ट और घटिया लोगों की वजह से हमारे देश में इतने टैलेंटेड लोग हैं जो अभी तक अंधेरे में हैं। उनका हुनर तो दुनिया के सामने आ ही नहीं पाता आप जैसे लोगों की वजह से। इसलिए आपको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। चीता चतुर्वेदी। जी मैडम सर। आइए आइए, हो गया हो गया, प्यार से आइए, खुद सच। बाकी मानना पड़ेगा, आपका सच तो सच में गहराइयों से जुड़ा हुआ निकला। आपने ठीक कहा था कि झूठ सच का ही रिफ्लेक्शन होता है। हम खामखा झूठ की गहराइयों में भटकते रहे, अच्छा हुआ कि आपने सच से हमें रूबरू करवा दिया। तो ये केस आप ही के अकाउंट में जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, कांग्रेचुलेशंस, डिजर्व करते हैं आप। शुक्रिया मैडम। सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो भी किया उसके लिए ये तो बनता है। अब थाने का फोन काम नहीं करेगा तो फिर देश की कानून व्यवस्था कैसे ठीक से काम करेगी, बताइए आप। ना 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 ना, हम वहाँ नहीं आएंगे, आप यहाँ आकर देखिए फोन में क्या खराबी है, समझ गए ना जी। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ही बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। लिखिए। पुष्पा जी, इतनी परेशानी है तो हमारा नंबर दे दीजिए ना, आपका भी काम हो जाएगा और हमारी बदनामी चार्ज बिक जाएगी। थाने के काम के लिए तुम्हारा नंबर बांटते फिरे हम। बकैती कर, आपकी बकरी भाग गई है तो उसमें पुलिस क्या करेगी, बांध के रखना चाहिए था ना अपनी बकरी को। अब पुलिस के पास और कोई काम नहीं है जो आपकी बकरी को पकड़े, और पूरे शहर में ये मोबाइल नंबर कंप्लेन लिखवाने के लिए बांटा है, टाइम पास करने के लिए नहीं। क्या ये बात अच्छी है, थाना हड़पने के लिए अच्छा पैतरा आजमाया आपने। हम सब समझ गए, सब लोगों को अपना नंबर बांट दिया और थाने का नंबर जानबूझ के काट दिया, ताकि सब कंप्लेन करने के लिए आपके मोबाइल पे आपको फोन करे, आपके नंबर ज्यादा हो, फिर आप हमारे थाने पे कुंडली जमा के बैठ जाए। हाँ छी 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 छी, इतनी खुराफाती सोच एक औरत की हो सकती है? वो तो है। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है हमारे मोबाइल नंबर बांटने से, तो जाइए आप भी पूरे शहर में नंबर बांट आइए, लैंडलाइन पर क्यों निर्भर है। अरे हाँ बदनाम भाई, पुष्पा भाई चलिए हम लोग बांटते हैं। हमें कंटाप लगाए, बैठ जाओ चुपचाप। अगर ऐसा है तो फिर आपने केस लेने से मना क्यों कर दिया? अगर आपको नहीं सुलझाना था केस तो हमें बताते, बकरी ढूंढ के देते ना। अरे मतलब तो जनता की सेवा से ही है ना। सब समझ रहे, मतलब है स्कोर बढ़ाने से, मतलब है हमें हराने में, मतलब है इस थाने को हड़पने में, क्या हम समझते नहीं कुछ? पुष्पा जी ये भी आपको पहचान गए। इस आदमी से बात करना मतलब मौत है। हाँ हाँ तो जाइए, कीजिए हमारी मौत की कामना। अरे क्या सॉरी सॉरी संतोषी सॉरी। अरे क्या कर रहे, जब भी छींक आ रहा है लगातार हैट्रिक मार दे रहा है, तीन बार आ रहा है, एक बार दो बार आ ही नहीं रहा है, और जब नहीं आ रहा है तो ऐसा हर बार लग रहा है कि छींक आएगा। चीते बताए तुमको, लल्ला के पप्पा को जब भी छींकें आती थी ना ऐसे ही आती थी लगातार तीन बार। बाप रे, छींकते थे भोंकते थे। आपकी लाइफ में कभी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ? अरे पगली, तभी तो हमें पता चला कि जिस इंसान को ऐसे लगातार तीन छींकें आती है ना,
उसका दिल बहुत साफ होता है। सच में पूछ पर देखिए संतु जी, देखिए नाक, नाक साफ होना चाहिए ठीक से बचने के लिए। ऐसे हमारे दादाजी। यार क्या हुआ दीवाना जी? सत्यानाश हो उस इंसान का जिसने मुझे जीवन भर का दर्द दे दिया। अगर मुझे वो इंसान मिल जाए ना तो मैं उसे दीवार में जिंदा चुनवा दूं। नहीं, नहीं, हमें दीवार में मत चुनवा, हमें दीवार में मत चुनवा। नाहरिक इकबाल, तुम इनकी सहायता कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखना उधारे का एक रुपया भी नहीं चुकाएंगे अब हम। वो हम करिश्मा मैडम से ले लेंगे। ये देखिए पुष्पा, बंदूक हटा लीजिए प्लीज। क्या चाहती है आपके साथ हम भी जाएं, शहीद हो जाएं? नहीं, हमें छोड़ दो। मेरे बच्चा, मुझे बचा। माँ मैं तुम्हें बचा लेता लेकिन ये देखो कुलचा चाचा ताने हुए है बंदूक। माँ रे अनहार अकेली को मत चुनवाओ, ये चुनवाई रोक दो, मेरी सुनवाई सुनो। मेरे बच्चा। माँ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, हमको दीवार में चुनवाने का सपना देखती थी, आज दीवार ने खुद इनको चुन लिया है। पोता चाहिए, पोता चाहिए, पोता दिमाग खा गई हमारा। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हेलो सर, हेलो सर, पार्सल है। किसका पार्सल है भाई? जैन सर। सर नाम तो नहीं लिखा सर, पर एड्रेस यहीं क्या सर? अरे मेरे बेटे की यूनिफॉर्म आने वाली थी, मेरा ही होगा। नहीं नहीं एक मिनट, हमने भी हमने हमारा यूनिफॉर्म फिटिंग कराने के लिए दिया था, ये हमारा पार्सल है। आपको कैसे पता ये आपका पार्सल है? आपको कैसे पता कि ये आपका पार्सल है? जाकिर टेलर से पार्सल। आई थिंक ये आपके वाला पार्सल। Just an intuition, you know. खोल कर देख लीजिए, अगर नहीं हुआ तो ये तो है ही। दीजिए। हाँ यही हमारा पार्सल है। शुक्रिया, आप लोग जा सकते हैं। अरे हसीना जी, प्लीज यहाँ बैठी आइए, ये मुझे दे दीजिए। फर्स्ट एड किट कहाँ रखती है? नहीं नहीं नहीं, चमगादड़। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। थैंक यू सो मच। भरोसा कर सकती हैं हसीना जी, धोखेबाज दोस्तों से भरोसेमंद दुश्मन भले, सयाने कह के गए। Ah!
हम लिखेंगे कंप्लेंट, हम लिखेंगे कंप्लेंट। अरे दीजिए, अरे हम छोड़िए ना। अरे छोड़े मत, छोड़िए कह रहे हैं। हम सब छोड़िए अभी, इधर 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 छूट गया है कब का। अब आप दोनों बात कर सकते हैं और इन्हीं से पूछिए कि इनको किससे बात करनी है, अमर सर से बात करनी है कि मैडम सर से बात करनी है। हाँ जी, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपके। अरे पीछे हट जाइए, सर पे बैठेंगे क्या। हाँ हाँ, हर बार हमें ही हटना पड़ता है ना, आप औरत तो मर के लिए हटेंगे ही नहीं। शुरू शुरू शुरू, औरतों के लिए जहर उगलना शुरू। और आप जो सीधा दस्ती है उसका क्या। सर या मैडम, आप जो भी है ना, आप ना बाद में फोन कीजिए, ये दोनों लोग बहुत ज्यादा व्यस्त है झगड़ा करने में। कहीं क्या कर सकते हैं आपके लिए। अगर रिपोर्ट दिखानी है तो हमारे पास लिखवाइए, हमें हेड कांस्टेबल हरिंदर सिंह दीवान जी, पूरे न्याय की गारंटी। और सुनिए, हम तो ना न्याय के साथ साथ आपको दो कप चाय और दोपहर के खाने में राजमा चावल हमारे हाथ का बना हुआ फ्री देंगे। हाँ। और इसलिए हमारे पास ही लिखवाइए, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे। पुष्पा फ्लावर नहीं है, आ गए यार। आप जल्दी से अपनी कंप्लेन बताइए, वरना पुष्पा जी थाने में फ्री स्टे का ऑफर भी दे देंगे आपको। मैंने शहर में 15 बम लगाया है जो कभी भी फट सकता है। आप जल्दी से अपनी कंप्लेन बताइए, वरना पुष्पा जी थाने में फ्री स्टे का ऑफर भी दे देंगे आपको। मैंने शहर में 15 बम लगाया है जो कभी भी फट सकता है, और जो ऐसा हो गया तो आधे से ज्यादा शहर राख का ढेर बन जाएगा, वो भी सिर्फ मिनटों में। तो जो तुम्हें इस शहर को इस तबाही से बचाना है, 15 मिनट में SHO अमर विद्रोही से बात करवाओ मेरी। हेलो, आप हेलो, कट गया, कट गया। सर जी, सर मैडम सर, फोन करने वाली एक महिला है तो बात करने वाली भी महिला ही होनी चाहिए। मैडम सर करेंगे उसके साथ बात। लो और सुनो, जब कॉल करने वाली महिला कह रही है कि सर जी से बात करेंगे तो सर ही बात करेंगे ना। सर, इनकी बेमतलब की बहस पे अगर बम फट गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। एक मिनट, हमारे पास इस बकवास के लिए वक्त है ही नहीं। ये मामला बहुत सीरियस हो चुका है, अगर वो लड़की इनसे बात करना चाहती है तो इनसे बात करवाइए, हम कोई चांस नहीं ले सकते। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, लड़की आतंकवादी भी हो सकती है। सर पुष्पा जी, उस लड़की की आवाज कैसी थी, मुझे तो मजा नहीं आया। वो हम मैडम सर, वो ये हमारे साथ बहुत बहस कर रहे थे ना, तो हम उसकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाए। हम बहस कर रहे थे, आप अरे आप ही तो कर रहे थे। हाँ चुप, दोनों में से किसी ने भी एक शब्द और बोला ना तो लाइन हाजिर कर देंगे अभी के अभी। कब से किट 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 सुन रहे हैं, वहां बॉम्ब लगा हुआ है, उसकी गंभीरता समझ रहे हैं आप लोग, लगे हैं मुर्गा लड़ाई। अब शांत रहिए और काम पे ध्यान दीजिए। सर लेकिन अब तक कॉल नहीं आया। आएगा दीवान जी, जरूर आएगा। अब डायरी पेन लेके रेडी रहिए, हर छोटी से छोटी बात नोट कीजिए। करिश्मा सिंह आप जी, मौका मिलते ही मैं आपको इशारा करूंगा, मेरा इशारा मिलते ही आप DSP सर के साथ फोन कनेक्ट करेंगे, सिचुएशन के बारे में उनको बताएंगी। जी जी। अगर किसी टेररिस्ट का कॉल हुआ तो यहाँ नेगोशिएशन की सिचुएशन आ सकती है, इसलिए हमें DSP सर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और संतोष शर्मा आप। सर सर सर, वो हमारी टीम में है। पुष्पा जी प्लीज, आप ऑर्डर्स फॉलो कीजिए। जी आप भी रेडी रहिएगा, कॉल उठाते ही आपको ट्रेस और टैप दोनों करनी है। हो जाएगा सर। जी सब रेडी? रेडी रेडी। यस। हेलो, अमर विद्रोही बोल रहा हूँ, कौन बात कर रहा है? मैंने शास्त्री मंडी में 15 बम लगा दिया है। कितने? 15 बम, एकदम जिंदा बम। फटेगा तो सब ले उड़ेगा। अगर मेरे बम फोड़ने से पहले बम टूट कर फटने से रोक सकते हो तो रोक लो, और आम जनता को मरने से बचा सकते हो तो बचा लो। तो लगी रेस, से पहले पहुंचो शास्त्री मंडी और धूड़ो बम, वरना सारी मार्केट सब हवा के फुक्कों की तरह उड़ जाएगी। अरे सोच क्या रहे हो, भागो, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। क्या लगता है मैडम सर, ये कोई टेररिस्ट है या कोई पागल का प्रलाप? ये सोचने का हमारे पास समय नहीं है, हमें शास्त्री मार्केट जाना होगा। हाँ, मैडम सर क्या लगता है? सर मुझे लगता है कोई टेररिस्ट है। आपको ऐसा काहे लग रहा है? 15 बॉम्ब प्लांट करने वाली लड़की की आवाज में ना कोई वजन ना कोई असर, 18-19 साल की बच्ची की आवाज, जानबूझकर आवाज में पैदा किया हुआ नकली खौफ। वो हमें मौत से मारने की धमकी तो दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज खुद बहुत ही ज्यादा कांप रही थी।
कॉलेज जाने वाली कोई आम सी साधारण सी लड़की लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी लखनऊ आई है और यहाँ की लोकल लैंग्वेज उसने सीखी नहीं है। देखते हैं मेरे सब कैसे पहुंचते हैं। ये जो भी है टेररिस्ट ना ही सही, अगर इसे बॉम्ब ब्लास्ट करना ही होता है कब का कर चुकी होती है। हमारे साथ इस तरह के खेल नहीं खेलती। ये मामला कुछ और ही है दीवान जी, उस लड़की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है।